आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में फिर से स्वागत किया जाता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है, यीशु आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा अगर आप यह गलती करते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास। परमेश्वर के लिए आप आत्माएँ बचा सकते हैं। और विषय को बहुत ध्यान से सुने, काट पीट कर ना देखें। कटी पिटी जानकारी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आज एक मसीही विश्वासी प्रार्थना तो करता है, कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक करता है, फिर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है, आखिर क्या कारण है? तो चलिए हम वचन से देखते हैं। जैसे यशाया एक अध्याय के पंद्रह सोलह वचन से 17 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुँह फेर लूँगा, तुम कितनी ही क्यों ना प्रार्थना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। 16 वचन में अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, आगे भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय चुकाओ, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अभी आपको हम अच्छे से समझाएंगे। देखिए, यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से साफ साफ कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थना में मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपके हाथ तो खून करके, हत्या करके, व्यभिचार करके, घिनौने काम करके अपवित्र हैं। और आगे परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह देखता है, तभी तो कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुरे काम कौन से हैं, तो सुन लो। व्यभिचार करना, गलत वीडियोस देखना, एक दूसरे की चुगली करना, मुँह से गालियाँ बकना, एक दूसरे के लिए कुढ़ना, और जैसे ऐसे और कई पाप हैं जिससे यीशु नफरत करता है। और हमें एक दूसरे की भलाई करना है, भलाई के बदले बुराई नहीं करना है, और पद्रों को सुधारो जो गलत चाल चलते हैं, और अनाथ का न्याय चुकाना है जिसके कोई नहीं होता है, उनको खाना खिला दो, उनकी मदद करो, और विधवा का मुकदमा लड़ना है जिनके पति नहीं है, उनकी मदद करो, सहायता करो। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। आप सभी को जय मसीह की।